हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो हमारा है इस सैमसंग वॉशिंग मशीन टॉप लोड। इसका मॉडल नंबर है मैजिक डिस्पेंसर एक्टिव वॉश, ये मॉडल है इसका। और इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि ये मशीन पानी नहीं ले रहा है। स्पिन वॉश अगर मैनुअली पानी ऊपर से डालते हैं तो वॉश हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, सिर्फ इसका एसबी वाल्व जो रहता है ना, वाल्व रहता है सोलनॉइड वाल्व, वो एक्टिवेट नहीं हो रहा है। तो मैंने इसमें दूसरा वायर नया वाला लगा के देखा है, तभी भी नहीं हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ, ये वॉश पे लगेंगे इसको, वाटर लेवल सेट करेंगे। देखिए ये एक्टिवेट नहीं हो रहा है। तो इसका एक्चुअली जो ट्रांसिस्टर होता है जो एक्टिवेट करता है इसे, वो जल गया है। ये पुराना वाल है और इसमें से इस तरफ वाला वॉल ख़राब हो गया। शॉर्ट होने से क्या हुआ, इसका जो अंदर का मदरबोर्ड में ट्रांजिस्टर उसका ख़राब हो गया है। तो आज हम इसे चेंज करेंगे कि किस तरह से ट्रांजिस्टर का बदलते हैं और इसका पोजीशन कहां पे होता है। तो ये बोर्ड को पहले मैं खोलूँगा, पहले ऑफ कर देते हैं मशीन, पावर ऑफ। ये खुल चुका है हमारा पीसीबी, साइड में कर देंगे। और ये पूरे इसमें कनेक्शंस हैं, ये सब निकाल देंगे। हो गया है, पूरा लाइन डिस्कनेक्ट हो गया है पूरे वायरस इसके। और जैसे कि देख सक रहे हैं इसमें कौन सा वायर आ रहा है, एक ब्लू कलर का है, येलो तो कॉमन है, दूसरा है ग्रे कलर का। तो इसमें देखते हैं कनेक्टर में कौन सा है ग्रे कलर और ब्लू कलर। तो इसमें आ रहा है ग्रे एंड ब्लू, तो चार कनेक्टर वाला है वो यहाँ पे आ रहा है। सो इसका जो ट्रांजिस्टर रहेगा स्विचिंग का, वो इसके नीचे ही रहेगा, ये इतना पार्ट, इतना सेक्शन, क्योंकि यहाँ पे उसके वायर आ रहे हैं वाल्व के। तो हम इसे पीछे क्या करेंगे, ये पूरा सेक्शन सॉल्डरिंग मशीन से इसको हटाएंगे। तो शुरू करते हैं। तो निकल गया है ये जो आईसी देख रहे हैं, ये ट्रैक देख रहे हैं, स्विचिंग ट्रैक। ये पहला वाला एसबी वॉल का है और नीचे जो उसके नीचे है ये वाला सेम, ये दूसरा एसबी वॉल, जैसे दो होते हैं ना, दो कनेक्शन। तो ये पहला वाला है जहाँ से वाटर लेता है स्टार्टिंग वॉश में, ये पहला वाला, ये दूसरा वाला है। तो पहले वाले में प्रॉब्लम आ गई है, पहले हम ये पूरा रबर निकालेंगे ग्लू, फिर ये आईसी, फिर ये ट्रैक चेंज करेंगे। देख सकते हैं किस तरह से फट गया है ये ट्रैक, इसमें होल हो गया है एसवी वाल शॉर्ट होने से, ये ट्रैक उड़ गया है। ऐसे मैं डिसोल्डरिंग वायर से बाहर निकालूंगा। देख सकते हैं निकाल दिया है, बीच में फट गया है। अब इसके बदले हम BT 134 डालेंगे,
तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम BT-134 डालेंगे। अगर आपके पास BT-134 अवेलेबल नहीं है तो आप 136 भी डाल सकते हैं BT। तो इसका पोजीशन देखिए मैं कैसा सॉल्डरिंग करूँगा। तो ये हो गया है। अब हम इसे ग्लू डाल के इसमें इसको ऐसे बंद कर देंगे। अब इसे बंद करने के बाद आपको इसको फिट कर देंगे वापस मशीन में। तो ट्रांजिस्टर लग गया है, देख सकते हैं। और हमेशा जब कभी भी ये प्रॉब्लम आता है तो आप पुराना SG ये जो वाल है सोलनॉइड वाल, इसे भी चेंज करना पड़ेगा। इसे मत लगाइए पुराना, फिर लगाएंगे तो फिर जल जाएगा वो, तो हमेशा नया लगाइए। अब चलिए इसे टेस्ट करते हैं। कनेक्शन पूरे हो चुके हैं। अब एक बार से स्टार्ट करते हैं। पावर बटन है, ये वाटर लेवल सिलेक्टर, और ये स्टार्ट, ये देख सकते हैं चालू हो गए हैं, कमिंग आ रहा है। तो ये चालू हो गया है, इसे ऑफ कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा हमने किस तरह से इसे रेक्टिफाई किया है। वाटर का सोलनॉइड वाल्व ओपन नहीं होता है तो ट्रांजिस्टर हमने चेंज किया है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही है। बाद में हम इसे कवर में लगा देंगे, फिट कर देंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।